चित्रासीन अब आपको अहम खबर से आगाह करते चलें। चित्रासीन डिस्ट्रिक्ट सांगड़ से ब्यूरो चीफ इब्राहिम खलजी की रिपोर्ट के मुताबिक ईद का कब्रिस्तान तजावजात के खिलाफ कब्रिस्तान वेलफेयर कमेटी शहरियों की कार्रवाई। आपको बताएं कि गैर कानूनी तौर पर तामीर कमरा मसमार कर दिया गया। जिला इंतजामिया फौरी ईदगाह कब्रिस्तान की अराजी कब्जा माफिया वागजार करवाएं, शहरियों का मुतालबा है। तफसीलात के मुताबिक जिसकी कब्रिस्तान वेलफेयर कमेटी के अब्दुल जब्बार यूसुफजई और शहरियों ने गैर कानूनी तामीर करवा कर तामीर किया मसमार करें। इस मौके पर उनका मजीद कहना था कब्रिस्तान की अराजी वागजार करवाई जाए, जिसकी वजह से कब्रिस्तान की चारदीवारी का काम भी नामुकम्मल। सारा दिन आवारा जानवर गधे कुत्ते बकरियां गायें कब्रों की बेहरमती करते हैं, फूल पौधे उजाड़ देते हैं। दूसरी जानिब कब्रिस्तान में कमरों की तामीर करके कब्जा का तरीका ईजाद किया गया है, जिसकी वजह से फाशी और ज्यादती जैसे वाकया रोज मामूल बन चुके हैं, जिसमें कब्रिस्तान वेलफेयर कमेटी ने शहरियों के तामों से गैर कानूनी कमरे की तामीर करवा कर इसको मासमार करवाया। काबिल शराबा से अदात कुरेशी के मुताबिक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक आमिर रऊफ ने जलालपुर रोड पर तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 3 दुकानें सील की, भारी जुर्माने आयद किए। मुल्तान रोड लोधरा रोड से तजावजात कायम करने वाले दुकानदारों का मुकम्मल दाखिला भी बंद कर दिया है, जुर्माने आयद किए गए। अंदरून बाजार के दुकानदार अवामी हल्कों के अंदरून बाजार से चांदनी चौक तक तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन का भी आपको बताएं कि मुतालबा है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक आमिर रऊफ ने शुजाबाद इंसाफ प्रेस क्लब के साफी से गुफ्तगू में कहा है कि महंगाई के दौर में मार्केट और बाजारों में तजावजात माफिया के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया गया ताकि वो अपने बच्चों के साथ बेहतरीन अंदाज में ईद उल फितर की खुशियां मना सके। इसके अलावा तजावजात के खात्मे के लिए ऐलानात कर दिए जाएंगे। बुध के दिन से अंदरूनी बाजार का ऑपरेशन जारी रहेगा। अवामी हल्कों, शहरियों, सिविल सोसाइटी के लोगों ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन करने पर चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मलिक आमिर रऊफ को सलाम पेश किया। खबर दें मरदान से, जहाँ पे फाइक नवाज के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आपको बताएं कि डिप्टी ब्यूरो चीफ मरदान आसिफ यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट मरदान के सीनियर नायब सदर अब्दुल समद खान ने मेंबर सूबाई समनी तारिक महमूद ईरानी आपको बताएं कि एरियानी और अब्दुल सलाम अफरीदी के हमरा मरदान बोर्ड के डैशबोर्ड इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। MPA साहबान ने मरदान बोर्ड में खिताब करते हुए कहा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मरदान बोर्ड के चेयरमैन फरीद खटक ने MPA साहबान को आने वाली 9वीं और 10वीं जमात के आइंदा इम्तहान के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और आगाही की। आखिर में बोर्ड चेयरमैन फरीद खटक की तरफ से MP साहबान को तारीफी इस्नाद भी दी गई। खबर दें आपको विहाड़ी से, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद मोहम्मद जोया के मुताबिक DPO विहाड़ी हिदायत पर पुलिस थाना मेल सी की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिलसिले में पुलिस थाना सिटी मेल सी ने कार्रवाई करते हुए थाना सिटी के हदूद मोहल्ला सदीकाबाद से जुआ खेलते हुए 11 जवारी असलम अहमद, उसके अलावा हमाद परवेज और इसके अलावा दीगर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जबकि आपको बताएं कि खालिद उर्फ लाला, अरबाज उर्फ बबलू, रिजवान उर्फ मुन्ना, वसीम शेख और माजिद उर्फ जीना मौके से फरार होने में कामयाब हुए। भारी रकम लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद की गई हैं। साहिबा से गुलफाम हैदर कुरेशी के मुताबिक आपको बताएं कि आयरलैंड से आए गैर मुल्की वफद सिख यात्रियों का थाना हड़प्पा का विजिट। SIPS के तहत नए बनने वाले थाना हड़प्पा में 5000 साल पुरानी तहजीब और थाने में फराम करदा जदीद तरतीब सहूलत के खुशी का इजहार। और इसके अलावा SHO मलिक वकास ढकू ने वफद को हड़प्पा की तारीख से रोशनास करवाया और थाने में दी जाने वाली जदीद सहूलियात से आगाह किया। SHO ने वफद को थाने में मौजूद खसूसी दीवार पर हड़प्पा की तारीख के हवाले से नस्बशुदा नवादरात की तफसीलात भी बयान की। वफद ने पुलिस के मेहमान नवाजी की, सिक्योरिटी के फुलप्रूफ इंतजाम और कदीमी तहजीब हड़प्पा को तहफ़ का हिस्सा बनाने पर DPO साहिवाल फैसल शहजाद की काविशों को खूब सराहा। खबर दें आपको डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक आपको आगाह करते चलें। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह की जेरे सदारत इंसदाद डेंगी गंदम खरीदारी और कपास की काश्त के बारे में इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अफसरान को इंसदाद डेंगी सरगर्मियां, गंदम खरीदारी मुहिम और कपास और इसकी मुहिम को तेज करने का हुक्म दिया। डिप्टी कमिश्नर सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि जिला भर में इंसदाद डेंगी आगाही हफ्ता भर भरपूर अंदाज से चलाया जाएगा। अगर एंटी डेंगी टीमें बाकायदा से तमाम हॉटस्पॉट की सर्वेलिंग करें ताकि आपको बताएं कि लार्वा की फरजाइश ना हो सके। इसके अलावा उनका मजीद कहना था गंदम खरीदारी मुहिम के हवाले से मुतलका महकमे तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दें। गंदम खरीदारी के तरीकेकार के बारे में काश्तकारों को भरपूर आगाही दी जाए। 17 अप्रैल तक की काश्तकारी बारदाना ऐप से अपने क्वाइफ का इंदराज कराएं। और इसके अलावा डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जरी शुमारियात उमर बशीर, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मियां नईम आसिफ और इसके अलावा दीगर ने भी मौके पर शिरकत। खबर नुशहर फिरोज से हमारे ब्यूरो चीफ मंजूर मलिक के मुताबिक आपको आगाह करें कि नुशहर फिरोज, जिला भर के काश्तकारों को सरकारी बारदाना ना मिल सका। पट ईधन नुशहर फिरोज कंडियारो ठारो शाह इसके अलावा दीगर में खुराक के DFC वसीम जमाली, फूड इंस्पेक्टर शौकत तराई, इसके अलावा चौकीदार मुख्तियार कलहोड़ों की मिली भगत ने रिश्वत के बाजार गर्म कर दिए। बारदाना किसानों के बजाय रिश्वत के इवज मनपसंद अफराद को व्यापारी को मिलने लगा। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ इब्राहिम खिलजी के मुताबिक शराब को शीदा करने वाली भट्टी पर छापा। जीत नासरी ने आपको बताते चले कि दीगर कार्रवाई में 50 ग्राम हीरोइन और ममनुआ गुटखा भी बरामद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक SP सांगड़ इजाज अहमद शेख की हिदायत पर जाएं पेशा नासरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO संझोर मोहम्मद अली जरदारी की मातहत हमले के हमरा एक बड़ी कामयाब कार्रवाई
मंशात फरोश वसीम लगारी की देसी शराब कशीदा करने वाली भट्टी पर छापा मार के 130 लीटर शराब बरामद की। इसके अलावा SHO टंडो आदम गुलाम शब्बीर ढलवानी ने मंशात फरोश आपको बताएं कि अंभियो भेल को गिरफ्तार करके 50 ग्राम हेरोइन बरामद कर ली। इसके अलावा दीगर दुकानदारों में कार्रवाई करते हुए आपको बताते चलें कि ममनुआ गुटका 330 पुड़िया ममनुआ गुटका भी बरामद कर लिया गया है। खबर है आपको भावनगर से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इशाक फटू की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बोहन ने कहा है कि शहरी को रिलीफ फराहम करने के मुसलसल मुतहरिक हैं। इस हवाले से इजलास में आपको बताएं कि सदारत करते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फिकार अहमद बोहन ने कहा कि 50 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक हैं जो नाजायज मुनाफाखोरी ज़खीरा अंदोजी मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त ऑपरेशन अमल में ला रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने सरकारी कीमतों के नफाज के लिए 15 अप्रैल 2024 से 662 इंस्पेक्शन किए हैं। नाजायज मुनाफाखोरी पर 57 अफराद को जुर्माने और 8 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 2 किए गए और 8 अफराद को गिरफ्तार किया, 2 के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई हैं। उन्होंने कहा कि मजीद नाजायज मुनाफाखोरी वाले जखीरा अंदोज और इसके अलावा मिलावटी अशिया बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी का अलहदा अलहदा डैशबोर्ड बनवाकर फील्ड कार्रवाई का जायजा लिया जाएगा।